ला 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 ला। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे लिखा है प्रेमचंद ने और उसका शीर्षक है शतरंज के खिलाड़ी। इस पर सत्यजीत रे ने एक फिल्म भी बनाई थी। तो आओ सुनो कहानी शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलासता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिरक ही के मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद को प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में, सर्वत्र विलासता व्याप्त हो रही थी। कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त था। सभी की आंखों में विलासता का मध छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है, कहीं चौरस बिछी हुई है, पौ बारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहां तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वो रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गजीफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलील जोर के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं, जीविका की कोई चिंता न थी, घर बैठे चखोतियां करते। आखिर और करते ही क्या। प्रातः काल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मूरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते थे। फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हो गई, कब तीसरा पहर आया, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था, खाना तैयार है। यहां से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहां तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था। और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात ना थी कि मिर्जा के घर के और लोग उसके व्यवहार से खुश हों। घरवाली का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है जी, घर को तबाह कर देता है, खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का, बुरा रोग है। यहां तक कि मिर्जा की बेगम इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लतारती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से ही मिलता था। वो सोचती रहती थी तब तक उधर बाली बीत जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे, कहते जाकर के ले आए, खाने की भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते खिलाएं। पर रूबरू वो कुछ ना कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सर पर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहां से दवा ले आए, दौड़ जल्दी कर। लौटी गई तो मिर्जा ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम का मिजाज गर्म था, इतनी ताप कहां कि उनके सर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे, चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहां चली जाती हैं। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता। मीर साहब ने कहा, अरे तू जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्जा बोले, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं, दो किस्तों में आपको मात होती है। मीर साहब ने कहा, जनाब इस भरोसे में ना रहिएगा, वो चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहे और मात हो जाए, पर जाइए सुन आइए, क्यों खाम खा उनका दिल
दुखाइएगा। मिर्जा बोले, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर ने कहा, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा बोले, अरे यार जाना ही पड़ेगा हकीम के यहां, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का ये एक बहाना है। मीर बोले, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा एक चाल और चल लूं? मीर साहब बोले, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन ना आवेंगे मैं मोहरे में हाथ न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते, नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा ने कहा, क्या कहूं मीर साहब, मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूं। बेगम बोली, क्या जैसे वो खुद निखट्टू ही वैसे ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला है। मिर्जा बोले, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है। बेगम ने कहा, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्जा बोले, बराबर का आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे दो अंगुल ऊंचे ही है, मुलाहिजा करना ही पड़ता है, तो मैं ही दुत्कार देती हूं, नाराज हो जाएंगे, हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला रहता है, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी। हिरिया बाहर से शतरंज उठा ला, वीर साहब से कहना मियां अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना, जलील करना चाहती हूं क्या? ठहर हिरिया ठहर, कहां जाती है? बेगम ने कहा कि भाई जाने क्यों नहीं देते, मेरे ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। ये कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई सी दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक चली गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंध गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने दो मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई बताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की झलक भी कान में पड़ी, फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए कि बेगम बिगड़ गई है, चुपचाप घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब कर दिया है। बेगम बोली, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी, इतनी लौ खुदा से लगाते तो क्या गरीब हो जाते? आप तो शतरंज खेलें और मैं आज चूल्हे चक्की की फिक्र में सर खपाऊं। बोलो जाते हो हकीम के यहां कि अब भी तामुल है? मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंच गए और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा, बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है, मगर आपने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है, ये मुनासिब नहीं है। उन्हें इनसे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार है। खैर ये तो बताइए अब कहां जवाब होगा, मिर्जा ने ऐसा पूछा। मीर साहब बोले, इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यही जमे। मिर्जा बोले, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा, जब घर पर बैठा रहता था तब तो वो इतना बिगड़ती थी, अब यहां बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़े मुझे। पीर साहब बोले, अजी बकने भी दीजिए, दो चार रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना ना करती, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है, लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा, उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई, दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती, उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी, अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे, घर में चाहे कोई आवे चाहे कोई जावे इनसे तो कुछ मतलब था नहीं, आठों पहर की धौस हो गई, कभी पान लाने का हुक्म होता कभी मिठाई लाने का,
और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहब से जा जाकर कहते, हुजूर निया की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई है, दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए, ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो फिर शाम को ही कर दी, घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हो, जो हुक्म होगा बजाई लावेंगे, मगर ये खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं है, घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है, यहां तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो जाते देखे हमने, सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करे। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वो किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी दो चार पुराने जमाने के लोग थे, वे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं है, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज, ये बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बहुत बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था, देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली आती थी, और वो वैश्याओं में भांडों में और विलासता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेजी कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था, कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी, देख में सुव्यवस्था ना होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था, रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहां लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कान में जू ना रेंगती थी। खैर मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते महीने गुजर गए, नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए बनाए जाते, नित नई व्यूह रचना होती, कभी कभी खेलते खेलते भिड़ंत हो जाती, तू तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठ कर अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते लगा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए, ये क्या बड़ा सिर पर आई, ये तलबी किस लिए हुई, अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए, नौकर से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार ने कहा, घर में नहीं तो कहां है। नौकर ने कहा, अब ये मैं नहीं जानता, क्या काम है। सवार बोला, काम तुझे क्या बतलाऊं, हुजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं, जागीरदार हैं कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो अटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर ने कहा, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा उनसे। सवार कहता, कहने की बात नहीं है, कल मैं खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। वीर ने कहा, कमबख्त कल आने को कह गया है। मिर्जा ने कहा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पे जाना पड़ा तो बेमौत मरेंगे। मीर साहब ने कहा, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं, कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी, हजरत आकर लौट जाएंगे। जिनका वल्ला आपको क्या खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब गदा बताई। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूं, इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज चर ली, अब भूल कर भी घर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते, बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डब्बे में गिलौरियां भरे, गोमती पार करके एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, इसे शायद नवाब असफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू चिलम और मदरियां ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर के शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी, किस्त शह आदि दो एक शब्दों के सिवा मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था, कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर के खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते, कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल ना आता था।
इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, नहीं तो बेगार में पकड़े जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर है, मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी, मीर साहब को किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। मीर साहब ने कहा, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा ने कहा, आने दीजिए, किश्त बचाइए, ये लो किश्त। मीर साहब बोले, तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे जवान है, लाल बंदरों से मुंह है, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा बोले, जनाब हीले ना कीजिए, ये चकमा किसी और को दीजिएगा, ये किश्त। मीर बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, यहां तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की पड़ी हुई है, कुछ खबर है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा बोले, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी, ये किश्त बस अब की शहर में मात है। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसी ठहरेगा। मीर बोले, अजी अब तो रोजा है, क्या आपको भूख ज्यादा मालूम होती है। मिर्जा बोले, जी नहीं, शहर में जाने क्या हो रहा है। मीर बोले, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना वाना खाकर आराम से सो रहे होंगे, हुजूर नवाब साहब ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा की बाजी कमजोर थी, 4 का गजर बज रहा था कि फौज की वापसी की खबर मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान के लिए ले जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। ये अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, ये कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है, होगा, ये लीजिए शह। मिर्जा ने कहा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती, बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर ने कहा, रोया ही चाहे, ये ऐश वहां कहां नसीब होगी, ये किश्त। मिर्जा बोले, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मैंने कहा, हाँ सो तो है ही, ये लो फिर किश्त, बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा बोले, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा, ये किश्त और ये मात लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी, हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब के मातम में मर्सिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपने हार के साथ लुप्त हो चुकी थी, वो हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए थे। शाम हो गई, खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया, अवाबीले आकर अपने घोंसलों में चिपटी और दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे, इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा ना था। वो बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। बार बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। मिर्जा सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था, यहां तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल ना बदला कीजिए, ये क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया जाए, जो कुछ चलना है एक बार चल दीजिए, या आप मोहरे पर ही क्यों हाथ रखे रहते हैं, मोहरे छोड़िए मोहरे छोड़िए, जब तक आपको चाल ना सूझे मोहरा छूए ही नहीं, आप एक 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 चाल आधा घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं, जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे
उसकी मां समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मेहर मोहर वहीं रख दीजिए, रखिए रखिए। मीर साहब बोले, मैंने चाल चली कब थी? मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में, उसमें क्यों रखूं? हाथ से मोहरा छोड़ा कब था? मोहरा आप कयामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मीर बोले, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा बोले, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर बोले, वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी, दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, न ये दबता था ना वो। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते, वो तो हमेशा घास छिला की और आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत ही और ही चीज है, जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर बोले, क्या घास छिली होगी आपके अब्बा जान ने, या तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आते हैं हम। अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहां बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई आपकी, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है? क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर काले फेरते हो मियां? वो बावर्ची का काम करते होंगे, यहां तो बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते थे हम लोग। मिर्जा बोले, अरे चल चरकटे, बहुत बड़बड़ के बातें कर रहा है, बहुत बड़बड़ के बातें ना कर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं। यहां तो किसी ने आज तक ना आंखें दिखाई तो उसकी आंखें निकाल ली हमने, है हौसला? मिर्जा बोले, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं? हाँ, तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो ही जाए, इधर या उधर। तो यहां कौन तुमसे दबने वाला है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेशकप कटार वगैरह मानते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे, उनमें राजनीतिक भावों का अध्यापतय हो चुका था। बादशाह के लिए क्यों मरे पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आई, दोनों जख्मी होकर गिरे, दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल दूसरी तरी मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। ला 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 ला